everyone and welcome to Seekho Sikhao series part 8. My name is Kajal and you are watching me on Learn, Teach and Grow. अभी तक के वीडियोस में हमने सीखे थे लेटर्स की साउंड्स और उनके प्रोनंसिएशन. अब हम सीखेंगे कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स. जब हम इंग्लिश पढ़ना या बोलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यही वर्ड सीखते हैं. तो इन वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कब, कहाँ और कैसे इन्हें हम यूज कर सकते हैं. मैं आपसे यही कहूंगी कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, डेफिनेटली कुछ नया सीखेंगे. तो ये जो वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है टू शो समथिंग, यानी कि कुछ दिखाना. इशारा करके किसी चीज की तरफ अगर हम बताते हैं ये या वो, तो वहां हम इनका यूज करते हैं. जैसे दिस, यह, दैट, वह. जब हम इन्हें लिखते हैं तो यह या वह लिखते हैं, लेकिन जब हम इन्हें बोलते हैं तो ये या फिर वो बोल देते हैं, ये, वो, इस तरीके से. दिस और दैट का यूज होता है सिंगुलर में, यानी कि जब कोई एक चीज की हम बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करें या फिर एक वस्तु की बात करें, तो वहां पर हम दिस और दैट का यूज करते हैं. इसी तरह दीज और दोज. दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वे. जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो वहां हम दीज और दोज का यूज करते हैं. अब कब हमें दिस का यूज करना है और कब दैट का करना है, कब दीज का करना है, कब दोज का करना है. तो जब कोई चीज आपके पास में होती है तो आप दिस का यूज करेंगे, और जब कोई चीज आपसे दूर होती है तो वहां पर आप दैट का यूज करेंगे. इसी तरीके से जब बहुत सारी चीजें हमारे पास में होंगी तो हम दीज का यूज करेंगे, और जब वही चीजें हमसे दूर होंगी तो हम दोज का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये मार्कर है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ मार्कर. अगर एक से ज्यादा मार्कर हैं तो मैं यूज करूंगी दीज आर मार्कर्स. अब आप इसे देखिए, जब अगर चीजें आपके पास में होंगी तो आपको दिस और दीज का यूज करना है. दिस का यूज करना है सिंगुलर के लिए और दीज का यूज करना है प्लूरल के लिए. और जब चीजें आपसे दूर होती हैं तो आप यूज करेंगे दैट का सिंगुलर के लिए और दोज का प्लूरल के लिए. सिंगुलर में दिस और दैट के साथ हम यूज करते हैं इज का. जैसे दिस इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल. और अगर हमें प्लूरल में दोज और दीज का यूज करना है तो उसके साथ हम यूज करेंगे आर का. दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं. दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं. दिस इज अ गर्ल, ये लड़की है. दीज आर गर्ल्स, अब ये एक से ज्यादा हैं और पास में हैं, तो यहां हम बोलेंगे दीज आर गर्ल्स. दैट इज अ कार, वो गाड़ी है. दोज आर कार्स, वो गाड़ियां हैं. दिस इज अ कैट, ये बिल्ली है. दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं. दूर होंगी तो दैट इज अ कैट, वो बिल्ली है. दोज आर कैट्स, वो बिल्लियां हैं. इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे. इसके अलावा कुछ और भी यूज होते हैं, जैसे व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन. अगर आपको किसी को इंट्रोड्यूस कराना है, यानी कि किसी से मिलवाना है, तो आप कैसे इनका यूज करेंगे. सपोज आप कहीं जाते हैं और आपके साथ कोई गया है, तो ज्यादातर लोग पूछते हैं ना ये कौन है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज माई सिस्टर इशिता, ये मेरी बहन इशिता है. या आप बोल सकते हैं दिस इज माई फ्रेंड आरोही, ये मेरी फ्रेंड आरोही है. अगर कोई आपसे दूर है तो आप इस तरीके से बोलिए दैट इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है. वे मेरे दोस्त हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं. अब एक से ज्यादा लोग हैं तो आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस कीजिए दीज आर माई सिबलिंग्स, ये मेरे भाई बहन हैं. सिबलिंग्स मतलब भाई बहन. अगर आपके कजिन्स हैं, यानी कि चाचा, मामा, बुआ,
इनके बच्चे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे कजिन्स। तो आप इंट्रोड्यूस कीजिए, दीज आर माई कजिन्स। अगर कोई आपसे दूर है तो आप दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दोज आर माई कजिन्स। इसके अलावा ऑन अ टेलीफोन कॉल, जब आप कॉल पर हैं तो आप पूछते हैं ना कि कौन बोल रहा है, तो वहां आप यूज कीजिए हेलो हु इज दिस, इज दैट काजल, क्या तुम काजल हो, यस दिस इज काजल, हाँ मैं काजल बोल रही हूँ। डेली लाइफ में भी हम इसका यूज काफी बार करते हैं, जैसे ये बोलने के लिए जब हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं तो हम यूज करते हैं ये वाला वो वाला, तो आप उसे इस तरीके से बोल सकते हैं। विच ऑफ दीज डू यू लाइक, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ विच ऑफ दीज डू यू लाइक, इनमें से आपको क्या पसंद है, तो आप बोल सकते हैं दिस वन, ये वाला, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाला पसंद है। अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और वहां पे कोई चीज आपसे दूर रखी है और आपको शॉपकीपर को बोलना है कि मुझे वो चाहिए, तो आप बोल सकते हैं दैट वन, मुझे वो वाला चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन। ऑलराइट गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन वर्ड्स का यूज हम कब कहाँ और कैसे कर सकते हैं, तो आज से आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब भी आपको बोलना हो ये वाला या वो वाला, तो आप यूज कीजिए दिस वन एंड दैट वन। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।